गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ये हम आज देखेंगे। अगर आपको ध्यान हो, हमने जब OSI मॉडल्स के अंदर लेयर देखी थी, सबसे नीचे जो लेयर थी उसका नाम क्या था? OSI मॉडल के अंदर सबसे नीचे वाले लेयर का नाम क्या था? फिजिकल लेयर। देखो जो फिजिकल लेयर है उसका काम था आपका बेसिकली डाटा है जो उसको ट्रांसफर करवाने का सोर्स टू डेस्टिनेशन। और आपको याद होता उसमें क्या था, उसकी जो फ्लो कंट्रोल करवाने का काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करवाने का काम, कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, इस टाइप के जो काम थे वो सारे के सारे फिजिकल लेयर के थे, है ना। तो जब डाटा आपका ट्रांसफर होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन फिजिकल लेयर के ऊपर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। मीडियम आपका जो भी हो, वायर्ड है या वायरलेस है, लेकिन वो सिग्नल की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब जैसे आप कोई फाइल सेंड कर रहे हो या कोई इमेज सेंड कर रहे हो, कोई ऑडियो वीडियो सेंड कर रहे हो, है ना, तो डाटा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो डाटा पहले कन्वर्ट होता है किसी दूसरी फॉर्म में, जिसको हम एनालॉग या डिजिटल फॉर्म कह देते हैं। एनालॉग पहले यूज होता था ज्यादा, अब डिजिटल यूज होने लग गया है, ठीक है। अब यही एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, वो हम देखेंगे। देखो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग होते हैं आपके कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं। ये नहीं है कि भाई आपकी जो स्टेट है वो सिग्नल की वो एकदम चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूस चलेंगे इस तरीके से, कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। वो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपके डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब उसमें जो स्टेट है सिग्नल की वो अब्रप्ट चेंज होती है, जिसको हम जैसे 0-1 के फॉर्म में ले लेते हैं। तो जैसे आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लेते हैं ये 0 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये मान लेते हैं 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो सिग्नल है उसका स्टेट है जो वो एकदम चेंज होगी। देखो यहाँ से जैसे 0 से सीधा 1 पे गया ये, फिर 1 पे थोड़ी देर के लिए रहा और उसके बाद सीधा 0 पे आया, है ना, स्टेट एकदम चेंज हो रही है। लेकिन जो ये आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें एकदम चेंज नहीं हो रही है, उसमें ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो आपको हल्की सी माइनर सी वैल्यू में चेंज मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, बेसिक और माइनर चेंज हो, है ना। तो ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जैसे अगर आप घड़ी की बात करो, जैसे आपके जो दीवार पर लगी होगी उस पर क्या होता है, एक तो आपकी जो आर्म है जो घंटे वाली,
मिनट और सेकंड वाली होती है जी। अब मिनट वाली एकदम चेंज हो गई आपकी, मान लिया पहले 50 था अब 51 पे चला गया। लेकिन अगर हम जो सेकंड वाली की बात करें वो आपकी चेंज हो रही है धीरे धीरे, एक एक सेकंड पे, है ना, इस तरीके से। और इसमें भी जैसे, वैसे तो इसमें भी जो वैल्यू चेंज हो रही है सेकंड की, जैसे मान लिया 50 सेकंड है पहले, फिर 51 सेकंड हुई, 52 हुई, इसमें भी स्टेट चेंज हो रही है एकदम। लेकिन जो ड्यूरेशन है टाइम की, कितने टाइम में चेंज हो रही है, वो थोड़ा कम है। इसलिए जब आप इसको प्लॉट करोगे तो एकदम ये नहीं होगा कि बिल्कुल वैल्यू एकदम चेंज हो रही है बहुत ज्यादा, ग्रेजुअली चेंज होगी। लेकिन जो आपका डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल में तो आपको ये सेकंड वगैरह दिखती नहीं, या होता वैसे तो ये डिजिटल क्लॉक में भी सेकंड मिली सेकंड का ऑप्शन होता है। लेकिन उसमें अगर वाइज हम सिंपल एक डिजिटल क्लॉक जिसमें आवर और मिनट दिखाई गई है, अगर हम उसकी बात करें, उसमें तो क्या होगा, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, जैसे सपोज करो अभी टाइम है 8:50, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, सीधा टाइम आपका चेंज हो जाएगा 8:51। ठीक है, तो आपको सडन वैल्यू चेंज हुई दिखेगी, बीच में जो सेकंड ने जो 60 सेकंड ट्रेवल करी है वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये डिजिटल क्लॉक होते हैं, और ये दूसरी आपकी एनालॉग, सिंपल एग्जांपल है। देखो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो आपकी साइन वेव की फॉर्म में होते हैं। जनरली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपका टाइम रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपका जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये डिनोट करती है, स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल होंगे वो इस तरीके से होते हैं, जनरली सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो सकती है अलग अलग सिग्नल पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं हर एक टाइम की बात करूं, जैसे ये टाइम, फिर उसके बाद हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन में अगर आगे चलता जाऊं, आप देखोगे तो इसका जो सिग्नल है, स्ट्रेंथ है, वो चेंज हो रही है हर एक मिली सेकेंड पे। देखोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है सिग्नल की, है ना, तभी तो ऐसी कर्व बन रही है, एकदम ग्रेजुअली चेंज होते तो ये सीधा ऐसे जाना था, ये बिल्कुल हल्की से माइनर ऐसे हर एक पॉइंट पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम बात करें इसमें टोटल लेवल कितने बनते हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स कही जा सकते हैं कि भी किसी एक ड्यूरेशन के अंदर बन सकते हैं। क्योंकि आप सेकंड की बात कर सकते हो, आप मिली सेकंड की बात कर सकते हो, नैनो सेकंड की बात कर सकते हो, नैनो सेकंड के ऊपर भी आपकी वैल्यू में हल्का सा माइनर सा चेंज जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो इसके अपोजिट जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं उसमें जनरली दो स्टेट होती है, 0 और 1, या तो वो लेवल 0 पे है या फिर लेवल 1 पे है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, सेम चीज है। अब आते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक होते हैं जो किसी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, है ना, तो उसको हम पीरियोडिक बोल देते हैं। नॉन पीरियोडिक होते हैं जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे जो आपके एनालॉग और डिजिटल सिग्नल है ये दोनों ही पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं, ठीक है।
अब जो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया दो टाइप में, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होता है जिसमें आप डिकम्पोज करके उसको और सिग्नल को सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोजिट होता है मिक्सर ऑफ मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। जैसे मल्टीपल मान लिया, इस तरीके से आपके मल्टीपल सिग्नल है तो इनको अगर सेपरेट करना चाहो तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तीनों सिग्नल को आप सेपरेट कर दोगे तो ये कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होगा। और सिंपल में क्या होगा, सिंपली आपका एक एनालॉग सिग्नल है, इसको आप सेपरेट कर नहीं सकते किसी दूसरे से क्योंकि एक ही है, तो इसको हम सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो साइन वेव की फॉर्म में होते हैं, आपने अगर याद हो तो साइन थीटा वगैरह ये पढ़े होंगे 10th+2 तक, है ना। तो अगर साइन की जो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे साइन वेव को तो वो इसी तरीके से होती है, क्योंकि साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन 180 डिग्री इसकी वैल्यू फिर 0 होती है, साइन 270 डिग्री इसकी वैल्यू होती है आपकी -1, और साइन 360 इसकी वैल्यू होती है 0। आप देखो जब टाइम 0 था साइन 0 उसने एंगल क्या बनाया 0, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0। फिर जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी इस पॉइंट पे और जेंटल के साथ कितना एंगल बना दिया इसने, तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, फिर 180 डिग्री ये पूरा रोटेट करके उसी लाइन पे दोबारा आ गया तो 180 डिग्री का एंगल बन चुका आपका और जेंटल लाइन के साथ। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 वापिस, फिर 270 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा ये, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 होगी, और 360 जब इसने पूरा रोटेशन अपना एक कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी वापस 0। और जो ये हमने साइकिल की बात, पीरियोडिक की बात करी थी, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद वो अपने आपको रिपीट करता है। तो जैसे सपोज करो ये है आपका टाइम, मान लिया टाइम T1, यहाँ पर उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये जो पहले की चीज सेम वैल्यू दोबारा आ रही है, और यहाँ पर इसने तो अपना दूसरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब ये जो टाइम होगा इन दोनों के बीच में, जो टाइम इसको अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा, मान लिया वो टाइम लगा स्मॉल टी, तो ये भी सेम टाइम होगा इन दोनों के बीच में जो सेकंड साइकिल उसने कंप्लीट किया, क्योंकि ये पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद वो रिपीट करेगी अपने आप को। अब कोई पर्टिकुलर टाइम तो हमने इसी लेना पड़ेगा, अगर ये टाइम वेरी करेगी T1 अगर ये T2 को हुआ है तो ये पीरियोडिक होगी नहीं, क्योंकि दोनों टाइम आपके डिफरेंट है T1 T2। तो ये एक वेरिएबल टाइम के बाद रिपीट करे अगर, तो उसको हम नॉन पीरियोडिक कहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है, T1 इक्वल है T2 के, तो उस केस में हो जाएगी ये पीरियोडिक सिग्नल। अब जो साइन वेव है उसके कुछ पैरामीटर्स है, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी है, फेज है, वो क्या चीज़ होती है। एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, कितनी उसमें सिग्नल में स्ट्रेंथ है उसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। और पीक एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ सिग्नल में, हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे सपोज करो ये सिग्नल आपका, अब इस पॉइंट के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ है उसके पास, इस पॉइंट पे कुछ स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन
पीक वैल्यू क्या है इसकी, किसी भी डायरेक्शन में उसके हो, पीक वैल्यू क्या है वो उसका पीक एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये हो गया इसका पीक एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम स्ट्रेंथ सिग्नल की, उसके बाद ये जो पीरियड वगैरह बताया था सर आपको, एक सेकेंड देखो, पीरियड क्या है जो अभी बता के टाउन में, अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड हो सकता है या मिली सेकेंड के अंदर कुछ भी, जिसके अंदर वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर ले वो उसका पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकेंड के अंदर कितने पीरियड या कितने साइकिल कंप्लीट करता है सिग्नल, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये वो नहीं सुनो, देखो ये कोई एक साइन वेव है एनालॉग सिग्नल, और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि भाई इसने एक सेकंड पूरी होती है यहाँ पर, यहाँ से चले यहाँ टाइम जीरो था और एक सेकंड में वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, और इस एक सेकंड के अंदर उसने कितने साइकिल कंप्लीट करे उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आप एक साइकिल है जो वो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक है इस पॉइंट तक ऐसे काउंट करोगे तो इसके अंदर टोटल 12 साइकिल बनते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इसी क्या फ्रीक्वेंसी, कितने उसने साइकिल कंप्लीट करे वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो है उसका पीरियड। अब मैं अगर बात करूँ 12 साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम लगा कितना, एक सेकंड, और एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा उसको, अब 1/12, ये क्या हुआ पीरियड है ना, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो उसका पीरियड है, तो इसका पीरियड कितना हुआ 1/12 सेकंड, ठीक है। और 12 क्या था यहां पर फ्रीक्वेंसी, तो पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं 1/f, f मान लिया मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए ले लिया, तो पीरियड इज इक्वल टू 1/f आपका टाइम हो गया। और इसको उल्टा करना हो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/p, है ना, सेम चीज है, इसको चेंज कर दो बस, ये ऊपर फॉर्मूला भी गिवन है आपको। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, मैंने वहाँ पी लिख लिया था, टाइम की जगह आप पी लिख लो टाइम, और पीरियड है बेसिकली ये, और इसको चेंज कराऊंगे तो आपका ये बोल रहा तो चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ज में मेजर करते हैं, ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है हर्ज, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन जिसकी जिसने इसकी डिस्कवरी करी थी उनके नाम के ऊपर ही है हर्ट्ज। सिंपल एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने पीरियड बताना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। गेट में तो इस टाइप के आते नहीं, नेट में पूछ लेते इस टाइप के क्वेश्चन जनरली।
अब देख लेते हैं फेस। फेस को हम डिस्क्राइब करते हैं जो वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म में से जो आपका सिग्नल है उसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो। टाइम जीरो के हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करें तो उसकी पोजीशन क्या होगी, जो स्टार्टिंग टाइम छोटा ना वो जीरो लेके चलते हैं इस पॉइंट को जहां से सिग्नल ने आपका स्टार्ट किया है ट्रैवल करना, तो उसके हिसाब से जिस भी पॉइंट पर वो पहुंचा है, मान लिया इस पॉइंट पर पहुंच गया वो सिग्नल, तो इसके रिलेटिव जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था इसके कंपैरिजन में जो अब इसकी पोजीशन है ये, इसको डिस्क्राइब करता फेज। ठीक है, इसको हम जनरली डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं कितने डिग्री वो मूव कर गया। ठीक है, देखो देखो ये कोई आपका सिग्नल है। ठीक है, ये इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कहां किया, इस पॉइंट पे। ये इसका क्या हो गया पीरियड, पीरियड को मान लिया मैं डिनोट कर रहा हूं टी से। ठीक है, ये कंप्लीट टी है और फेज क्या हुआ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये जीरो था टाइम जीरो, उसके रिलेटिव में जो सिग्नल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पोजीशन को हम डिनोट करेंगे फेज से। सपोज करो ये पूरा आपका टी है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टी है आपका टाइम पीरियड बेसिकली, और अगर मैं इसको हाफ निकालू इस पूरे टाइम का, ये हाफ कहाँ होगा यहाँ पर है ना टी बाई टू, ये पॉइंट आपका, और मैं अगर ये पॉइंट बताऊँ कि ये पॉइंट क्या हुआ, ये होगा आपका टी बाई फोर, इसका हाफ है टी बाई टू था ये पॉइंट, और इसका हाफ t by 2 का half, t by 4 है ना। और अगर मैं इसके राइट साइड में बात करूं इस पॉइंट की, ये जो टाइम था आपका ये वाला टाइम ये t by 2 है और ये भी आपका t by 2 है ना, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या हुआ t by 4 इसका half। अब अगर सिग्नल आपका हाफ यहां से चलकर सपोज करो इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसका फेज क्या हुआ टी बाय फोर, और अगर सिग्नल यहां से चलकर यहां पर आ लिया आपका इस पॉइंट पर सिग्नल आपका पहुंच चुका है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो, ये आपका फेज क्या होगा टी बाय टू। फिर ऐसे चलते हैं मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गया तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, देखो t by 2 तो ये था, अब ये पॉइंट आ गया आपका ये, इसको सोच के बताओ क्या होगा, देखो ये वाला जो पॉइंट था आपका जहां पर ये सिग्नल ट्रैवल करके 180 डिग्री पे इस पॉइंट पर पहुंच गया, ये था t by 2 और इसके बाद वो हाफ चल रहा है, तो t by 2 प्लस हाफ चला t by 4 टोटल कितना हो गया आपका 2t plus t, ये हो गया आपका 3t by 4।
इस पॉइंट पे ये हो गया आपका 3t/a। तो जब सिग्नल यहां से चलकर वापस इस पॉइंट पहुंचा तो ये क्या हो गया आपका t, पूरा कंप्लीट हो गया ना t। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो t/2 यहां तक था प्लस उसके बाद t/2 ये हो गया आपका प्लस t/2। तो इसको अगर सोल्व करोगे t प्लस t ये हो गया 2t/2, सोल्व कर लो ये आ गया आपका t। कुछ नहीं इसमें, इसको आप जैसे एंगल के फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहो उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने तो ये आपका टाइम पीरियड के हिसाब से ले लिया था। अगर आप एंगल की बात करो यहाँ पर आपका एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर आपका 360। और टाइम फ्रेम की इसी बात करें तो ये टाइम हो गया आपका t/2 हाफ t/4, ये आपका t/2, ये 3t/2 और सॉरी 3t/4 और ये आपका t। जिस फॉर्म में आप डिनोट करना चाहो उस फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। ये एंगल के फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में, और ये आपका पीरियड के फॉर्म में है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगला कल देखेंगे।